ललितपुर में फेमस ही है, सभी लोग बोटिंग करने आते, घूमने आते। मंदिर इतने सुंदर है, नरसिंह मंदिर देवी जी का। कितने लोग आते होंगे? ये तो काउंट नहीं किया, लेकिन हाँ लगभग 300-400 की तो भीड़ रहती है डेली। और जब से बोटिंग हो गई है ना, जब से ज्यादा दूर दूर से लोग आते हैं। पहले बोटिंग नहीं थी, अब उसका काफी विकास हो गया। और पहली बात तो उधर बहुत ही अच्छा लगता है, सारे भगवान हैं, हजारिया महादेव है, नरसिंह मंदिर है, देवी जी की है, रामलीला मैदान है। हमारा बुंदेलखंड भले ही आज के दिन में पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े राजाओं ने राज किया है। अलग अलग राजाओं ने हर जगह अपना राज जमाया है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक धरोहर सुमेरा तालाब के पास मैं खड़ी हूँ, जिसे चंदेरी के राजा सुमेर सिंह ने बनवाया था। कहते हैं कि वो राजा यहाँ घूमने आए थे और उनको था चर्म रोग, और वो जंगल में शिकार करते करते रुक गए। यहाँ पे एक छोटा पोखरा देखा, उसमें वो नहाए, उसके बाद से उनका चर्म रोग ठीक हो गया। फिर वो चंदेरी वापस गए और अपनी पत्नी ललिता को यहाँ लेकर आए, फिर इस ज़िले का नाम ललितपुर रख दिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि रानी से राजा बहुत प्यार करती थी और राजा रानी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए रानी ने तालाब का नाम सुमेरा तालाब रख दिया और राजा ने इसके बदले उनके नाम से ललितपुर ज़िले का नाम ललितपुर रख दिया, क्योंकि रानी का नाम ललिता जो था। तालाब का इतिहास क्या है, थोड़ा सा बताएं। सुमेरा ताल नाम है, राजा सुमेर सिंह ने बनवाया था। इसके नाम से ये प्राचीन धरोहर है, बहुत पुराना नरसिंह मंदिर, और ये तालाब राजा सुमेर सिंह का बनवाया है। आज भी लोग यहाँ आते हैं, ये जवारे मवारे से आते हैं, और ये मोराई छठ होती है, मोर सोर सरने भी आते हैं, गणेश जी भी रखे जाते भी आते हैं, और विमान निकलते डोल 11 पे वे भी उनको अभिषेक होता है। तो चली आ रही परंपरा। कौन सा ऐसा खास दिन होता है यहाँ पे ज़्यादा मेला? जैसे डोल 11 आ रही, विमान निकले उतना लगता है, और ये नौ दुर्गा होती हैं कुंवर वाली, नौ दुर्गा वहाँ मेले लग जाते, दुकानें मकानें लग जाते। बोटिंग चलती है, बोटिंग चलती है, ये 27 दिसंबर से शुरू हुआ है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं आप? सभी पूरे जिले के लोग आते हैं, आसपास के क्षेत्र के भी लोग आते हैं, सभी जगह के। किस उद्देश्य आते हैं, आस्था के या घूमने के? घूमने के उद्देश्य आते हैं। देखो यहाँ जो चारों तरफ मंदिर है तो आस्था का भी केंद्र है, और घूमने इंजॉय करने भी आते हैं। एक पैडल बोट का है 27 रुपये का, शिकारा का है 53 रुपये का, स्टीमर का है 105 रुपये का। पूरी बोट पर बुक करके जाते 110 रुपये लगता है पैडल बोट का, शिकारा का पर पर्सन के हिसाब से, और स्टीमर का भी पर पर्सन के हिसाब से। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ 50 साल से। क्या क्या बदलाव आपने देखा है इस 50 साल में? 50 साल में यहाँ ये तालाब पहले तो था अच्छा साफ, इसकी पानी का नहाते थे तो चर्म रोग नष्ट होता था। ये तालाब सुमेरा तालाब नाम है इसका है, ये पुराने जमाने में तालाब नहीं था, यहाँ एक झरना था, जंगल थे, यहाँ चंदेरी की राजा शिकार करने आए थे, यहाँ बाबा जी रहते थे कुटिया बना के, तो उनको कोढ़ था, तो बाबा जी ने कहा कि ये झरने में स्नान कर लो तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तालाब पे पहले तो मेला लगता था, हर त्यौहार होते थे, लेकिन अब जब से गंदगी हो गई, जब से सब मेला खत्म हो गए, नहीं तो पहले तो खूब जैसे ये मोराई छठ और महालक्ष्मी ये सब में मोराई अभी भी आते हैं, लेकिन एक साथ नहीं आते हैं, ये ज्वारे निकलते हैं तो उस समय खूब मेला होता था, अब तो कोई सवेरे डर जाता है, कोई शाम के डर जाता है, तो इसलिए मेला एक साथ नहीं होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।